हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स को लेकर के। सो आज हम लोग क्या करेंगे, 7th ऑफ अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। एंड करंट अफेयर्स जो होगी इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और क्विज के फॉर्मेट में इसको कवर करेंगे। सो आइए देख लेते हैं कि कितना अवेयर हैं आप लोग आप इस समय की या इस दौरान में होने वाले सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गतिविधियों से। सो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया। सो अभी आपका प्रश्न दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये एंशियंट हिस्ट्री तो चल ही नहीं है, यहाँ पे करंट अफेयर्स चल रही है। सो किस तरीके से रिलेटेड है, पहले मैं आपके ऑप्शंस पढ़ देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं इसमें बोला गया है मल्लीनाथ, पाशर्व, अजीतनाथ एंड महावीर। ठीक है, इंग्लिश वाले नीचे पढ़ लेंगे तो मैं बताती हूँ इसका आंसर आपको। सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो 24वें तीर्थकर थे जिनको हम हमेशा से पढ़ते चले आए हैं उनका नाम है महावीर स्वामी। सो महावीर स्वामी जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया था। बट अब क्या समझना है, हमें समझना ये है कि अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो हम इसको पढ़ रहे हैं। सो भाई आपको बता दूं कि हर साल दुनिया भर में महावीर स्वामी जी की जयंती मनती है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में 7 अप्रैल को। आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने अहिंसा का, त्याग का और तपस्या का संदेश देने वाले महावीर जो हैं उनकी जयंती ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। सो मार्च और अप्रैल के महीने में मनने वाली इसी जयंती को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इस प्रश्न को इंक्लूड किया है कि महावीर स्वामी क्यों जरूरी है इस वक्त में, या वो 24वें तीर्थकर थे या किस नंबर के तीर्थकर थे। देन आपको बता दूं कि अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के 13वें दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था या उन्होंने जन्म लिया था। साथ ही साथ में जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महावीर जयंती का एक बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। 24वें तीर्थकर होने के साथ साथ में ये आपके आखिरी तीर्थकर भी थे महावीर स्वामी। इन्होंने 540वीं या ईस्वी पूर्व में 540 ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी में भारत में बिहार के एक राजसी परिवार में जन्म लिया था। सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में धार्मिक जागरूकता की खोज में अपने घर को त्याग दिया था और 12 वर्षों तक गहन ध्यान के बाद इन्होंने केवला ज्ञान या केवलत्व वो भी हम बोलते हैं इसको, जिसका मतलब होता है बहुत सारा ज्ञान, सर्वज्ञानी ये बन गए थे, प्राप्त करने में इन्होंने सफलता प्राप्त करी थी। केवला ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने लोगों को सत्य का, अहिंसा का, अहिंसा के साथ साथ ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की 5 प्रतिज्ञाओं का पालन आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक बताया और उन्होंने बोला कि इसको ही हमें क्या करना पड़ता है या आपको फॉलो करना पड़ता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। देन आपको बता दूं कि इन्होंने 72 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त किया था और उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। महावीर स्वामी की शिक्षाओं को इंद्रभूति गौतम यानी कि उनके जो फेमस स्टूडेंट थे उन्होंने जैन की आगमों के रूप में संकलित किया। आगम जो होते हैं इसमें जैन धर्म की सारी शिक्षाओं का वर्णन किया जाता है। सो आप महावीर स्वामी को देख सकते हैं। देन आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सेना चिकित्सा कोर यानी कि AMC ने अपना 256वां स्थापना दिवस किस आदर्श वाक्य के साथ में मनाया है। ए सर्वे संतु निर्मया, सर्वे या आप बोलोगे सेवा कामम धर्म सर्वत्र और शस्त्र से शक्ति। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो आप लिख सकते हो कि सेना चिकित्सा को या सेना चिकित्सा कोर ने अपना 256वां स्थापना दिवस आदर्श वाक्य सर्वे संतु निरामया के श्लोक के साथ में या उस वाक्य के साथ में मनाया है, सेलिब्रेट किया है। On 30th April 2020, the Army Medical Corps Rising Day was celebrated. The 2256th Rising Day was held with the motto Sarve Santu Niramaya, meaning let all humans be free from disease and disability. ठीक है, सो आपको बता दूं कि इस चल रहे कोरोना वायरस के संकट काल में आर्मी मेडिकल कोर सक्रिय रूप से शामिल है और सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ इसकी स्क्रीनिंग, अलगाव और उपचार हेतु सुविधाओं की स्थापना करी गई है। देन आपको अगर मैं बताऊं कि आपका सेना चिकित्सा कोर है इसके स्थापना दिवस के बारे में बताऊं तो AMC के पास देश भर में उत्कृष्ट केंद्र है, ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र है जिसमें आधुनिक उपकरण है जो गुणवत्तापूर्वक रोगी की देखभाल करने के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इसने सभी क्षेत्रों में जैसे युद्धकालीन हो, विदेशी मिशन हो, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के हो, इन सभी स्थितियों में नागरिकों के या नागरिक अधिकारों को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सेना चिकित्सा कोर अपने परिवारों के साथ साथ सेना के जवानों को चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। सेना चिकित्सा कोर की स्थापना 1943 में भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय अस्पताल और नर्सिंग कोर और भारतीय चिकित्सा विभाग में हुई थी। देन ये आप देख सकते हो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का लोगो। देन आगे बढ़ते हैं, आपसे बोल रहे हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
WFP औपचारिक रूप से 1998 में स्थापित किया गया था। विश्व खाद्य प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे संबोधित या जो भूखे को संबोधित करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल दो सही है, या ना ही एक सही है ना ही दो सही है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर वन है वो गलत है। 1998 में इसका स्थापना नहीं हुई थी। देन आपका अगर सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर केवल दो हो जाएगा। भाई आ जाइए देख लेते हैं। विश्व खाद्य प्रोग्राम के अनुसार तेजी से बढ़ते नोवेल कोरोना वायरस महामारी अब तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत ही ज्यादा कम प्रभाव डाल रही है, लेकिन चिंता से ग्रस्त बड़े खाद्य निर्यातक यदि दहशत में आए तो यह स्थिति बहुत ही जल्द बिगड़ सकती है। आपको बता दूं कि जो WFP है यानी कि विश्व खाद्य प्रोग्राम है, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की शाखा या खाद्य सहायता शाखा है और दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय संस्था है जो भूखे को संबोधित करती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसका मुख्यालय रोम में है। जनरल असेंबली आप बोलोगे कि WHO को औपचारिक रूप से, WEFO को औपचारिक रूप से 1963 में FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये 1963 में एस्टैब्लिश हुई थी। देन आप देख सकते हो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का लोगो। देन आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके जो ऑप्शंस हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, विराट कोहली हैं, नवीन पटनायक हैं, अक्षय कुमार हैं। सो आपके बहुत ही ज्यादा उभरे हुए नाम हैं, इन सभी व्यक्तियों को आप लोग जानते होंगे। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि नवीन पटनायक को इस बार क्या मिला है, आपका पेटा का हीरो टू एनिमल अवार्ड प्रदान किया गया है, दिया गया है। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था यानी कि पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने नोवेल कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में सामुदायिक पशुओं को खाना खिलाने के लिए राशि आवंटित करने के लिए पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी कि पेटा द्वारा सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने पशुओं की भुखमरी समस्या को देखते हुए राज्य के पशुओं का भरण पोषण करने के लिए राहत सहायता कोष से 54 लाख रुपए मंजूर किए हैं। जानवरों को खाना खिलाने के लिए की गई पहल उड़ीसा के 5 नगर निगमों और 48 नगर पालिकाओं में आयोजित की जा रही है। देन इसको बता दूं या पेटा के बारे में बताऊं तो एनिमल वेलफेयर एंड एनिमल राइट्स केंद्र बिंदु पशु कल्याण और पशु अधिकार, इसका जो स्थापना हुई थी वो मार्च 22, 1980 में हुई थी, 22 मार्च 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय नॉरफॉक वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोटो इसका है एनिमल्स आर नॉट आर्स टू ईट, वेयर एक्सपेरिमेंट ऑन, यूज फॉर एंटरटेनमेंट और अब्यूज इन एनी अदर वे। आदर्शवाद पशु हमारे खाने पहनने प्रयोग करने मनोरंजन के लिए उपयोग करने या चिकित्सा या क्या किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे नवीन पटनायक हैं ये। देन 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता बिल स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया है। वह डैश थे, एक गायक थे, एक डॉक्टर थे, एक फुटबॉलर थे एंड एक सामाजिक सुधारक थे। सो आप देख सकते हो कि जो आपके बिल स्मिथ हैं ये आपके गायक थे, और क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो पुरस्कार होता है ये आपका साहित्य के क्षेत्र से संबंधित होता है, तो आप बोल सकते हो कि ग्रैमी के ये गायक थे। देन आपको बता दूं कि अमेरिकी गीतकार भी थे, गायक भी थे, गिटार वादक भी थे। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से विजेता बिल विदर का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म 4 जुलाई 1938 को अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के स्लैक फोर्क के कोयला खनन शहर में हुआ था। उन्होंने 9 एल्बम बनाए थे जिनमें उनका पहला एल्बम जस्ट एज आई एम 1971 और आखिरी एल्बम वॉचिंग यू वॉचिंग मी 1985 शामिल है। उन्हें साल 2006 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर्स ऑथर्स एंड पब्लिशर्स रिदम एंड सोल हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें साल 2007 में वेस्ट वर्जीनिया म्यूजिक हॉल ऑफ फेम जबकि 2015 में रॉक एंड रॉक हॉल फेम से शामिल किया गया था उन्होंने संगीत में कैरियर शुरू करने से पहले एक विमान मैकेनिक के रूप में अपनी नौसेना में सेवाएं भी दी थी। आपको इनके बारे में ये सारी चीजें पता हो गई हैं। देन ग्रैमी पुरस्कार के बारे में बताऊं तो यह पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। इसका पहला पुरस्कार 4 मई 1959 को ग्रामोफोन पुरस्कार के रूप में दिया गया था। 62वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 26 जनवरी 2020 को आयोजित किए गए थे। देन बिल विदर के बारे में आप देख सकते हैं, ये उनका फेस है, आप इनको और अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। देन नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष
का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ईना मल्होत्रा है, आर वर्धाराजन है, बीएसवी प्रकाश कुमार है या मनोरमा कुमारी है? सो भाई, आपके जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण है उनके जो अध्यक्ष हैं, जो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनका नाम है बीएसवी प्रकाश कुमार। इनसे जरूरी जानकारियां देख लेते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बीएसवी प्रकाश कुमार का कार्यकाल अगले 3 महीने तक बढ़ाने या नए राष्ट्रपति या नए चेयरमैन के शामिल होने तक जो भी पहले हो के बारे में सूचित किया है। कुमार को एनसीएलटी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एनएम कुमार की सेवा या के सेवानिवृत्त होने के बाद 5 जनवरी से 3 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। यह 3 महीने का कार्यकाल 5 अप्रैल को इनका समाप्त होने वाला था। न्यायमूर्ति कुमार जून 2016 में इसकी स्थापना के बाद से एनसीएलटी के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। उन्होंने पहले एनसीएलटी की चेन्नई बेंच में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य किया था। एनसीएलटी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के तहत 1 जून 2016 को की गई है। देन आप देख सकते हो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आपके सामने है। देन किसे नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल फेम ऑफ के सदस्य के रूप में चुना गया है? बिल विदर्स को, कोबे ब्वाइंट को, ब्रिट हार्ट को या केविन नैश को? भाई अगर आप इस प्रश्न की बात करोगे तो आपको बिल विदर्स अभी आए थे तो आपको लग सकता है कि ये है, बट कंफ्यूज मत होइएगा। नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल की बात कर रहे हैं तो कोबे ब्वाइंट के नाम से कौन कौन नहीं जानता है या अवेयर नहीं है, तो कोबे ब्वाइंट जो है इनको सदस्य के रूप में चुना गया है। आप देख सकते हो कि दिवंगत यानी कि इनकी डेथ हो चुकी है कोबे ब्वाइंट को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्हें उनकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के पहले वर्ष में हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है। कोबे ब्वाइंट 18 बार NBA ऑल स्टार अब 9 सदस्य वर्ग का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें कई ऑल स्टार टिम डंकन और केविन गार्नेट भी शामिल हैं। कोबे ब्वाइंट अन्य 8 सदस्यों के साथ अगस्त 2020 के महीने में मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड में नाइस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे। सो नाइस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 9 सदस्यों की सूची इस प्रकार है, जिसमें आप देख सकते हो कोबे ब्वाइंट हैं, टिम डंकन हैं, केविन गार्नेट हैं, तामिका फिंचिंग्स हैं या कैंचिंग्स हैं, एडी सुटन हैं, रूडी टॉम जोनोविच हैं, किम मुल्की हैं, बारबरा स्टीविंग्स हैं, पैट्रिक बाउमैन हैं। नाम थोड़े से डिफिकल्ट है बट आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इसको एक बार हाईलाइट कर सको। देन इनके बारे में बता दूं, यानी कि नाइस्मिथ मेमोरियल ऑफ हॉल ऑफ फेम के बारे में बता दूं, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959, स्थापना इसकी 1959 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट में है। इनके अध्यक्ष जॉन डोलेवा हैं एंड इनके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं आपके जेरी कोलिंजो, तो आपको इनके नाम याद करने हैं। देन कोबे ब्वाइंट ये हैं, आप सबसे अब लोग अवेयर होंगे कोबे ब्वाइंट से। देन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA ने स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम पंक्ति में परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? ओला के साथ में, इजी कैब्स के साथ में, ऊबर के साथ में या जुगनू के साथ में? भाई अगर आप लोग देखोगे तो इजी कैब्स, ओला और ऊबर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इनमें जो आपका आंसर है वो है ऊबर। ठीक है, ऊबर इंडिया या आप बोलोगे जो ऊबर है, इसके साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य कर्मियों की अग्रिम पंक्ति में परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारत के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और COVID-19 के मरीजों के इलाज में लगे अस्पतालों को 24/7 मुफ्त ऊबर मेडिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए ऊबर इंडिया के साथ साझेदारी की है, यानी कि आपका प्रोजेक्ट साइन किया है। देन प्रारंभ में ऊबर मेडिक सेवा के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, पटना में चिकित्सा सेवाओं के लिए ऊबर कंपनी 150 मुफ्त कारें उपलब्ध कराएगी। NHA को न्यायमूर्ति या NHA को आपूर्ति की गई नई कारों को चालक की सीट के साथ पूरी तरह प्लास्टिक शीट से कवर होंगी या उनसे सुसज्जित किया जाएगा ताकि आपका जो COVID-19 का जो इन्फेक्शन है वो उन पे ना पहुंच सके। देन अबाउट NHA, सो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी आपका शीर्ष निकाय है यानी कि बॉडी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है जो 23 मई 2018 से एक लिस्टेड या पंजीकृत या रजिस्टर्ड संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई थी, यानी कि ऊबर टेक्नोलॉजीज की जो स्थापना हुई थी वो मार्च 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को USA में है एंड इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो हैं दारा कोस्त्रो शाही। देन इनके जो संस्थापक हैं वो ट्रेविस क्लानिक हैं जो कि गैरेट कैम्प से बिलोंग करते हैं। देन ऊबर आप जानते ही होंगे, लोगों भी जानते होंगे ऊबर का, कई लोगों ने यूज भी करी होगी। देन
कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की मंजूरी दी है। यह संसद के किस अधिनियम के तहत सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन करेगा? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोगों को बड़ी खुशी भी हुई होगी, बट यहाँ पे उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। 1923 के, 1956 के, 1918 के या 1954 के? तो भाई अगर मैं आपको बताऊं कि 30% की जो कटौती करी गई है, ये कटौती जो करी गई है वो 1954 के संशोधन के तहत करी गई है, तो आप बोलोगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य को 1 अप्रैल 2020 से मिलने वाले सारे के सारे भत्तों पेंशन में एक वर्ष के लिए, सिर्फ एक वर्ष के लिए कटौती की जा रही है। 30% की कटौती करने वाले संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद सहित संसद के सभी सदस्य के वेतन में नोबल कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण 30% की कटौती की जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्य के राज्यपालों ने स्वेच्छा से कोरोना वायरस महामारी और अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षित गिरावट के मद्देनजर 30% वेतन कटौती का फैसला किया है। कैबिनेट ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान संसद या सांसद क्षेत्रीय विकास निधि MPLAD निधि योजना के अस्थायी निलंबन को भी मंजूरी दी है और इस निधि का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और देश में COVID-19 की महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के लिए जारी किया गया है। सांसद क्षेत्रीय विकास निधि की यह 79 अरब रुपए की राशि को COVID-19 से निपटने के लिए भारत की समेकित निधि में जमा कराया जाएगा। देन अबाउट MPLADS के बारे में बताऊं तो सांसद क्षेत्रीय विकास निधि या संसद क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्र विकास विभाग के सदस्यों को सांसद क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। देन आप इनको जानते ही होंगे, प्रकाश जावड़ेकर हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों को पवित्र करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित किया है? तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने, कर्नाटका ने या गुजरात ने? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपने कल अगर इसको न्यूज में देखा भी होगा तो आप आराम से समझ जाओगे कि इसको तेलंगाना के राज्य में क्या किया है, आपका घोषित किया है। लोग इसके अंदर जा रहे हैं, उनके हाथ सैनिटाइज हो रहे हैं, पैरों में प्लास्टिक बन रही है और उनकी पूरी बॉडी में, उनके कपड़ों में सैनिटाइजेशन हो रहा है। सो तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की गई है। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में भी कुछ इसी प्रकार का एक प्रक्रम चलाया गया है। सो स्थापित करी गई है इस सैनिटाइजिंग टनल को राज्य के पुलिस महानिर्देशक कार्यालय में स्थापित किया गया है। यह कीटाणुनाशक विशिष्ट वी सेफ टनल 20 सेकेंड के अंदर लोगों को किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु रहित कर देती है। वी सेफ टनल का उद्देश्य राज्य में कोरोना वायरस को स्थानीय स्तर पर कम से कम करने के लिए सुरंग से गुजरने वाले लोगों को 20 सेकंड में अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें स्प्रे के रूप में पानी में घुलनशील बहुलक यानी कि आपके पॉलीमर और आयोडीन का संयोजित जो आपका संयोजन है वो शामिल है, जिसे सार्स और इबोला जैसे वायरस के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। देन आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने भी कल ही न्यूज में देखा है और आपके लिए आज ये करंट अफेयर्स आ गया है। तो ये है आपका वी सेफ टनल। देन सो अबाउट अगर तेलंगाना के बारे में बताऊं तो भाई तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के वो के चंद्रशेखर राव हैं, एंड आपके जो राज्यपाल है तेलंगाना के वो तमिलिसाई साउंड राजन है या साउंड राजन है, तो इनको आप देख सकते हो। और हाँ, ये चीज़ आपसे हमेशा पूछी जाती है कि तेलंगाना में आपका किस तरीके का स्ट्रक्चर है या कितने राज्य हो गए, दक्षिण भारत में क्वेश्चन भी आया था जब हाल ही में या तुरंत तेलंगाना का निर्माण हुआ था। तो आई थिंक कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा सही लगे होंगे और हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो अगर अच्छा लगा हो ये पूरा का पूरा सेशन तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो डेली या रेगुलर व्यूअर्स हैं आपको इन सारी की सारी चीज़ों का, इन सारे क्वेश्चंस का PDF जो है विद डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस PDF को डाउनलोड भी कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके आने वाले समय के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो आने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए दिस करंट अफेयर्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टू गो अहेड एंड गेट द PDF, गेट द डाउनलोडेड PDF बाय योरसेल्फ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक भी करिएगा। बाय बाय।